सो so फ्रेंड्स हमने अपने सारे पार्सल के प्रोडक्ट्स की ओपनिंग कर ली है मैं सबसे पहले बताती चलूँ ये एक तरह का फेशियल है ठीक है हम इतने सारे पैसे ज़ाये कर देते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स में जो कि के केमिकल्स वाली होते हैं और हमारी स्किन को डैमेज कर देते हैं ये टोटली हर्बल है ये आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके आप इसको एक बार यूज़ करो उसके बाद रिज़ल्ट देखना है जस्ट वाओ रिज़ल्ट है इसके ठीक है तो इसके कुछ वीडियोस मेरे पास हैं जो कि मैं शेयर करती हूँ और जो नहीं है वीडियोस मैं आपको बनाने का तरीका भी यहाँ पे अपना शेयर कर देती हूँ कि इनको यूज़ कैसे करना है और इसका जो वेबसाइट का लिंक है और इंस्टाग्राम का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ आप लोग इसको ऑर्डर करें और ये इतना ज़्यादा क्वान्टिटी में है कि आपका एक साल दो साल आराम से चल जाना है ये क्लासिक ये क्लासिक को हमने दूध में बनाना होता है ये एक तरह का क्लेंजर है ठीक है उसके बाद ये लस्टर आ जाता है लस्टर में हम ये गोल्ड डस्ट को मिक्स करेंगे ये टैनिंग का काम करता है आउट क्लास है इसका इंस्टेंट रिजल्ट होता है ठीक है ये एक तरह का पूरा फेशियल है क्लेंजर है स्क्रब है मास्क है सीरम है ठीक है और ये लैश सीरम है लैशेस के लिए है जिनकी लैशेस लाइट लाइट हैं छोटी सी हैं ये उनको बड़ा करेगा और आईब्रोज को थिक करेगा और ये सीरम है पेप्टाइड सीरम इसमें सैंडलवुड है जोजोबा ऑयल है लिकोडाइस है ठीक है ये एंटी एजिंग है सारा और ये बहुत ज़बरदस्त है फ्रैकल्स के लिए है रिंकल्स के लिए है स्पॉट्स जो डार्क स्पॉट्स फेस पे होते हैं ये उनके लिए बेस्ट है सबसे इंपॉर्टेंट बात ये टोटली हर्बल है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है आप जब इसे यूज़ करेंगे आपको खुद ही फील होगा आपकी स्किन बेबी स्किन हो जाएगी बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाएगी डार्क स्पॉट्स आहस्ता आहस्ता रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे ब्लैक हेड्स ख़त्म हो जाएंगे पोर्स श्रिंक हो जाएंगे और जिनकी एक्नी स्किन है उसकी भी अलहदा से इनके पास बंडल्स हैं एक्नी के लिए ठीक है तो मेरी एक्नी नहीं है इस वजह से मैंने ये नॉर्मल फेशियल मंगवाया था इनकी वेबसाइट पे बंडल्स भी हैं और आप इच प्रोडक्ट भी परचेज़ कर सकते हैं तो मैं ये क्लासिक बनाने लगी हूँ मैंने क्या करना है वन टीस्पून छोटा सा जो टीस्पून होता है ना छोटू सा स्पून जो उसको हमने लेना है और ऐसे लेवल बराबर कर लेना है इतना छोटी सी अमाउंट लेनी है हमने और इसको हमने दूध में बनाना है ठीक है और जिनकी ऑयली स्किन है वो गर्मियों में रोज़ वाटर ऐड करें तीन चम्मच दूध के साथ रोज़ वाटर ऐड करके बनाएँ और जिनकी ड्राई स्किन है वो थोड़ा सा एक दो ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल के ऐड करें तो मेरी ऑयली स्किन है मैं गर्मियों में तो रोज़ वाटर ऐड करती हूँ लेकिन आजकल जैसे सर्दियाँ हैं स्किन वैसे ड्राई होती है तो मैंने सिर्फ़ दूध ऐड किया है और कुछ भी नहीं किया हमने ऐसे रनी सा सोल्यूशन बना लेना है बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो लेकिन बस हो ज़्यादा पतला भी नहीं करना इसको हमने अपने फेस पे अप्लाई करना है मैं फ़ेस तो शो कर नहीं सकती इसलिए मैंने अपनी बेटी के हाथ पे ये कर लिया इसको हमने ब्रश की हेल्प से हाथों पे अप्लाई करना है और पाँच मिनट तक लगा रहने देना है उसके बाद हमने पाँच मिनट के बाद जाके क्लिनजिंग करके रिमूव कर लेना है ठंडे पानी से सिर्फ़ रिमूव करना है फेस वॉश यूज़ नहीं करना अब मेरी बेटी ने हाथ धो लिए हैं ठीक है थीके? आप इसका रिजल्ट चेक करें इसके बाद हम लस्टर यूज़ करेंगे अच्छा हम इसको हफ़्ते में दो दफ़ा यूज़ करेंगे और ये रात के टाइम यूज़ करना है सोने से पहले ठीक है ताकि हम किचन में ना जाएँ ऑयल डस्ट वगैरह कुछ भी हमारे फेस को ना करें क्योंकि ओपन हो जाते हैं ना पोर्स तो पूरी रात ये लगा रहेगा आफ्टर क्लिनिंग सुबह आपने फिर फेस वॉश करना है ठीक है तो ये रात को सोने से पहले आपने करना है अब हम लस्टर यूज़ कर रहे हैं लेस्टर में देखिए इस तरह से पूरा कैटलॉग होता है सारा कुछ डिटेल में लिखा होता है स्किन से रिलेटेड भी सारा कुछ ठीक है पहले हमने जो क्लासिक बनाया वो पाउडर फॉर्म में था उसे हमें दूध में बनाना था ये बनी बनाई क्रीम है ठीक है ये इस तरह से स्क्रब टाइप होता है लेकिन बहुत सॉफ्ट है फील ही नहीं होता कि हम स्क्रबिंग कर रहे हैं इसमें हमने ये गोल्डस्ट ऐड करनी है और ये टैनिंग के लिए बेस्ट है जिनकी स्किन धूप में बैठने से टैनिंग हो जाती है उसके लिए आउट क्लास है ये ठीक है फोरी फोरी आपको स्किन फील होगी नीट क्लीन तो आपने इसको इस तरह से अप्लाई कर लेना है और उसके ऊपर इस तरह से गोल्ड डस्ट लगा लेनी है मैंने अभी जैसे इसको ओपन किया है सील ओपन किया तो इस वजह तो से मैं दिखा रही हूँ नहीं तो मैं इस पूरी क्रीम में ही इस गोल्ड डस्ट को मिक्स कर लेती हूँ तो ये आराम से फिर मेरी चल जाती है काफ़ी टाइम ना मुझे बार बार गोल्ड डस्ट फिर ऐड नहीं करनी पड़ती अभी इस तरह इसको टैप टैप करके हमने इसको पाँच मिनट लगा रहने देना है उसके बाद हमने जाके फेस को वॉश कर लेना है ठीक है मैं ये गोल्ड डस्ट पूरी इस क्रीम में ऐड करके अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी और इसको हमने फ्रिज में रखना है लस्टर को ये एक तरह से हमारी क्लिनिंग भी हो जाएगी और हमारी स्क्रबिंग भी हो जाएगी उसके बाद ये आ जाता है स्टारडस स्टारडस एक तरह का मास्क है ठीक है जो कि स्नेल म्यूसिन कोकोनट वाटर और बहुत सारी और इंग्रेडिएंट से बना है सारा कुछ हर्बल है कुछ भी हार्मफुल नहीं है स्किन के लिए ये बेसिकली हमारी स्किन को कूल करता है ठीक है इसके अंदर सिल्वर चंक्स भी होते हैं ये मून लाइट है मून लाइट एक क्रीम है ये ऐसा क्रीम जस्ट हम यूज़ करेंगे तो मॉइस्चराइज़र है अगर हम इसमें ये सीरम से ऐड कर देंगे तो ये हमारी नाइट क्रीम बन जाएगी जो कि फाइन लाइंस के लिए एंटी एजिंग के लिए डार्क सर्कल्स के लिए बेस्ट है ये सभी प्रोडक्ट्स मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ नहीं कर रही मैं तीन चार साल हो चुके हैं इनको यूज़ करते हुए बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है ये देखिए मेरी ये क्रीम ये ख़त्म भी हो चुकी है डेढ़ दो साल कहीं नहीं गए और स्किन से रिलेटेड जो भी इशूज़ हों वो आप इंस्टा पे से पूछ सकते हैं लास्ट में और में अपनी मूनलाइट की जो मेन नाइट क्रीम है वो लगाती दूँ इट हैज़ एंड अवकाउनिक मेटेनिया नटोन उसके बेनिफिट्स मैं आगे लगा दूँगी को पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी एंटी एजिंग क्रीम है ये इट हैज कोजिक एसिड एसिडेट जो आपकी स्किन पे से ब्लेमिशेस को सबको खत्म करते हैं इट हैज एल्फा आरबू डेट जो आपकी स्किन पे से डार्क स्पॉट्स को खत्म करते हैं इट कम्स विद टू स्मॉल सिरम की बॉटल उसकी तस्वीर तो आपको मैं लगा दूँगी एक देर बेरी की है एक लिक्रॉस रूट प्योर एक्सट्रैक्ट है वो वो मैंने इसमें सारी मिक्स की हुई है यू जस्ट हैव टू मिक्स वन वन ड्रॉप एवरी नाइट ऑफ दट सरमी नेट मैंने एक साथ इसलिए मिक्स कर दी क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वो सूट करती है आपको भी जब आप शुरू में लें तो एक ड्रॉप नहीं करें इन शाला कुछ नहीं होगा तो आप एक साथ भी ऐड करके रख सकते हैं एंड जस्ट नीड टू टेक पी साइज अमाउंट ऑफ योर क्रीम अपनी साइज लाइक इसको हल कर मसाज करना मैं बहुत ज्यादा जो है ना वो अपनी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं करती बट जरूरी नहीं है बिल्कुल एब्जॉर्ब भी कर सकते हो दिस इज जस्ट मी इसको नेक पे भी लाजमी लगाना है जो नेक की लाइन होती है इवन नेक पे जो डार्कनेस हो जाती है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है और पूरे फेस पे लगा लेना है एंड देन यू कैन स्लीप अब ये मैं रात को बना रही हूँ लेकिन मैं आपको सुबह ही सारी स्टोरीज लगाऊंगी उसमें जब मैं सुबह उठूंगी आई विल शो यू बिल्कुल अपना जो जैसे इतना बगैर मूल हुआ फेस के हाउ इट टर्न आउट ये जो मेरा फेशियल मैंने घर पर किया है यू विल नॉट नीड ऑल द प्री और द जो हैं जिनके घरों में शादियां हैं जो भी हैं अगर वो ये रूटीन से कर लेंगे ना हफ्ते दस दिन में एक दफ़ा भी तो यू विल नॉट बी नीडिंग ट्रस्ट मी एनी फेसियल फ्रॉम एनी सलॉन ये प्रिजर्वेटिव फ्री और केमिकल uh, Uh, मदर से मुराद जैसे कि मेरी अम्मी होगी हमारी एज की जो लड़कियाँ औरतें हैं उनकी जो अम्मियाँ हैं वो यूज़ कर सकती हैं uh, इसमें ऐसी एस, ऐसी चीज़ें हैं जो एंटी एजिंग भी हैं और देर वेरी गुड फॉर द स्किन इवन इसको चौदह पंद्रह साल की लड़कियाँ या लड़के जिनकी ड्राई स्किन है वो यूज़ कर सकते हैं इट्स अ वेरी वेरी गुड सिलम इट्स अ डेरेविटिव टू योर मॉइस्चराइजर तो यू कैन यूज़ इट आफ्टर फेशियल बिफोर स्लीपिंग बिफोर डूइंग मेकअप तो खैर इन वेजअप ही लास्टली मैंने ये लगा लिया है माई स्किन फील रियली हाइड्रेटेड अब इसके बाद क्योंकि डे टाइम है और रात नहीं है तो मैं थोड़ा सा शेयर ब्लश लगाऊंगी जो कि एक ओवरऑल आपको थोड़ा बहुत रेग्येडी लुक दे देता है